शहडोल में वन्य जीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घर की तलाशी के दौरान वन्य जीवों जैसे भालू, जंगली सूअर के दांत सहित बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं आरोपी व्यक्ति के साथ परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया है। शहडोल जिले में वन विभाग ने वन्य जीवों के शिकार के मामले में शहडोल शहर में रहने वाले एक व्यक्ति करुणेंद्र सिंह के घर छापामार कार्यवाही की है। घर की तलाशी के दौरान भालू, जंगली सूअर के दांत सहित बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। वन विभाग ने यह कार्यवाही वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली की सूचना पर शहडोल की वन विभाग की टीम ने कार्यवाही की है। वहीं इस मामले में आरोपी करुणेंद्र सिंह को वन विभाग ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया। परिजनों का आरोप है कि वन विभाग के लोगों ने करुणेंद्र सिंह के साथ मारपीट की, शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं करुणेंद्र सिंह ने पूछताछ में बताया कि कुछ माह पहले गुनगुटी में चीतल का भी शिकार किया गया था और उसका मांस पकाकर दोस्तों के साथ खाया गया है, जिसमें शामिल दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली द्वारा बीएफओ मैडम के पास मैसेज आया कि मैंने फला व्यक्ति के पास वन्य प्राणी के अवयव उसके घर में है। उन्हीं के निर्देश पे मैडम ने टीम बनाई, वन विभाग की टीम, और सर्च वारंट करवाकर जारी करवाकर पुलिस की सहायता से उनके घर की तलाशी ली, जिसमें से उनके घर से 21 नग खाली कारतूस, 12 बोर बंदूक के 3 नग जिंदा कारतूस, 12 बोर बंदूक के 1 काला रैकिंग बेल्ट कारतूस रखने वाला, 1 नग भालू का नाखून, 2 नग जंगली सूअर के दांत और 1 नग जंगली सूअर का दांत, चांदी का छल्ला सहित, और 2 नग जिंदा कारतूस, तो अलग 1 नग 0.22 mm का और 1 नग 315 बोर और 1 लोहे का सिलेंडर आकार का कारतूस नुमा पाई जब्त हुआ। उसके बाद करुणेंद्र सिंह नाम उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उसको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन का पर्सनल रिमांड लिया गया। पर्सनल रिमांड लेने के बाद और पूछताछ करने पर उन्होंने 2 आरोपी का नाम और बताया, एक अभयराज सिंह और एक मिंटू सिंह। तो उसमें अभयराज सिंह की मतलब पता साझी करने पर कल ही उसको पकड़ लिया गया और उसके भी बयान लिए गए। बयान में वो भी वो बात कबूल किया जो इन्होंने बताया। तो दोनों के बयान आपस में बयान यही था कि यहाँ गुनगुटी के जंगल में रेंज में चीतल का मांस 2-3 महीने पहले मतलब मार कर शिकार करके और उसको पकाने के लिए हमारे घर में वो बताया कि दिए थे मिंटू सिंह और ये करुण सिंह आए थे। और इसके बाद जो है तो इनके पूछताछ के आधार पे मिंटू सिंह जो तीसरा आरोपी था उसको ही पकड़ लिया। ये आरोप लगा रहा है कि मारा पीटा गया है और घर की किसी महिला को उठा के एक्चुअली जब उसके करुणेंद्र सिंह का कथन लिया गया तो उन्होंने उसमें जो बंदूक है वो बंदूक की जब्ती नहीं हुई थी। उसके बारे में पूछताछ करने पर करुणेंद्र सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी ने कहीं छिपा दिया है, तो उसी के कथन के आधार पर पत्नी से पूछताछ के लिए बंदूक की बरामदगी के लिए उनको पूछताछ के लिए लिया गया था। और पूछताछ के दौरान ही उनके पेट में पथरी, उन्होंने बताया कि हमारे पेट में पथरी के कारण कभी कभी दर्द होता है, जिससे उनको दर्द होने पर जो है जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। बाकी एक इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 42, 44 और 51, 57 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आज माननीय न्यायालय में चालान को अभियोग पत्र दाखिल किया गया है और जहां से उनको जेल के लिए जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा भेज दिया गया। अभी आज 2 आरोपियों का जो कल पकड़ा गया और जो परसों हुए थे इन दोनों का हुआ है। एक तीसरे आरोपी का अभी आज पकड़ में आया है जिसके जिससे पूछताछ हो रही है। कल उसको भी माननीय